everyone, welcome to this session. My name is Pooja Rawat and I'll be talking about the current affairs strategy that you could follow for your NABARD grade exam. Alright, so I've been hearing this query time and again, like how should we prepare ARD current affairs. ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो current affairs में students को होती है कि like how should they prepare, how many months of current affairs should be covered, right? So I'll be discussing all these queries or all these problems in today's session. So सबसे पहले हम decode करेंगे कि किस तरीके के question जो हैं वो actually exam में पूछे जाते हैं, right? So we'll go and see the previous year paper analysis and look at the number of questions that come from this section, this current affairs section. ठीक है? Now NABARD exam की अगर हम बात करें तो आपको पता है prelims में GA का एक सेक्शन होता है. ठीक है, तो GA का नॉर्मली जो करंट अफेयर होता है वो नेहा मैम कवर करती है इन हर स्पॉटलाइट सेशंस, राइट. एंड देन वी हैव ESI में कुछ करंट अफेयर होता है दैट इज कवर्ड बाय मनीष सर इन PIB 24/7 सेशंस, राइट. और उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स का कंपाइलेशन वगैरह आता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ARD करंट अफेयर स्पेसिफिकली. ऑलराइट, बट before we go further, all those people who are here for the first time, do subscribe to our channel and press this bell icon so that you don't miss on the latest updates. All right, and you can also join our Telegram group wherein you can post your queries and you'll be updated with all the PDFs of these sessions. Now let's see, let's decode ki ARD section mein kis tarike ka jo questions hain wo puche jaate hain. Theek hai? सो ARD का अगर आप सेक्शन देखें तो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें कुछ आता है स्टैटिक एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के क्वेश्चन और कुछ होता है डायनामिक पार्ट जिसे कि नॉर्मली बोलते हैं कि करंट अफेयर से पूछा गया. ठीक है, तो इट्स अ डायनामिक पार्ट अगर हम बोलें जो कि आपका स्टैटिक एग्रीकल्चर के जो चैप्टर्स हैं उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. सो ये आई हैव मेंशन दीज एरियाज जहाँ से कि क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार NABARD के एग्जाम में, राइट. तो आप स्कीम्स देखो, स्कीम का कितना अच्छा खासा वेटेज है. ठीक है, तो देव आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अटल भूजल योजना. ठीक है, ये ARD की बात कर रही हूँ, ARD सेक्शन की, अटल भूजल योजना, नॉट ESI. ऑलराइट, देन देव आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM. देन देव ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑपरेशन ग्रीन, उसका ऑब्जेक्टिव पूछा था. देन देव आस्क ई शक्ति प्रोग्राम. Then they ask a question from the integrated cold chain and value addition infrastructure, right? Then we have a question from the ENAM, DAY, NRLM, Mudra Yojana. इसका phase 1 में भी पूछा गया था, phase 2 में भी पूछा गया था. ठीक है, Mudra Yojana में जो amount of loan है that could be sanctioned, इसकी limit पूछी गई थी. Then we have the question from the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, ये phase 2 में आया था. पैराग्राफ एक आया था इसके ऊपर, देर आर 4 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ. देन देर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम मनरेगा स्कीम. ठीक है, तो आपको आप देखो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में ये सारी स्कीम्स पूछी गई और सीधे सीधे पता चल रहा है जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, डायनामिक पोर्शन में ARD की वो स्कीम्स पूछी जाएंगी. एंड देन द स्कीम्स रिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात है, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, वो सारी स्कीम जो इन एरियाज को कनेक्ट करती हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो करंट अफेयर आप देख रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से डायनामिक पोर्शन से. देन अब एक न्यू कैटेगरी है जिसमें कि सर्वेज और सेंसेस पूछे जाते हैं. तो डायनामिक पोर्शन में आपके क्या आएंगे, आपकी स्कीम्स, सर्वेज, सेंसेसेस, रिपोर्ट्स, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो सर्वे से क्वेश्चन आया था, सर्वे में आपका नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक 2020 के बेसिस पे पूछा था उन्होंने कि 2018-19 में लाइफ स्टॉक का कितना शेयर था इन द टोटल GVA ऑफ आर इकोनॉमी. देन दे ऑल्सो आस्क्ड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फोर्थ हैंडलूम सर्वे. ठीक है, तो नंबर ऑफ वीवर्स दे हैव आस्क्ड इन द रूरल एरियाज. देन देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988. ठीक है, तो इसमें उन्होंने फॉरेस्ट का टारगेट पूछा था, कितना टारगेट जो है इस पॉलिसी में मेंशन किया गया है. देन देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेंसस. ठीक है, तो लैंड होल्डिंग साइज पूछा था उन्होंने कि व्हाट इज़ द लैंड होल्डिंग साइज फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. तो इस तरीके का क्वेश्चन था.
देन देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम द एमिशन गैप रिपोर्ट 2020. तो ये हम बोल सकते हैं जो एक्चुअली करंट अफेयर्स से पूछा. बाकी आप देखो ये रिपोर्ट्स और सेंसस है जो भी आपका एग्रीकल्चर सेंसस क्या 2015-16 इज द लेटेस्ट सेंसस दैट इज अवेलेबल, तो आपको वो पता होना चाहिए. फिर देन ऐसे ही आपका कहता है ISFR रिपोर्ट होती है फॉर एग्जांपल, वो हर 2 साल में आती है तो वो रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है. देन आपका नेशनल लाइफ स्टॉक के ऊपर जो लाइफ स्टॉक रिपोर्ट आती है वो इम्पॉर्टेंट है. तो इस तरीके के सर्वेज जो हैं, रिपोर्ट्स जो हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली. तो बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया नहीं है जो आपको कवर करना है, तो कुछ ही पार्टिकुलर सेक्शंस हैं जो आप अगर नोट डाउन कर ले और उन्हीं पे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखें सो यू कैन ईजिली आंसर दीज क्वेश्चन इन योर एग्जाम. ऑलराइट, सो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी GA में आप बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ते हैं, ASI में पढ़ते हैं. ARD के लिए मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि आपको रिपोर्ट्स पढ़नी है, जितनी भी लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं. देन आपको सेंसस कवर करने और सर्वेज कवर करने जो भी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं. देन आपको स्कीम्स जो हैं वो अच्छे से कवर करनी है जो कि आपकी अगेन रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट एरियाज. ऑलराइट, then there was also a few portals have been asked. For example, they asked about the Chaman portal. They also asked about the electronic trading platform of the ITC, which is e-Chopal, जो कि actually current नहीं है, बहुत पुराना platform है. This Chaman scheme जो है वो भी बहुत पुरानी scheme है horticulture वगैरह से related. This was the only question I would say which is again in the news, जो कि current affairs है. The government recently launched this app for the One Nation One Ration Card system. और One Nation One Ration Card बहुत ज़्यादा news में भी last year पूरा रहा है. तो they asked this question from this area. Then there was dynamic questions from the state ranking. So they have asked the state ranking in the number of FPOs, like which state has the maximum number of FPOs. Then but these questions were from the NABARD annual report. ठीक है, तो बहुत important है आपकी NABARD annual report. वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए थे. दे आर आस्ड अबाउट द स्टेट हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ विमेन रन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. दिस क्वेश्चन अगेन वॉज फ्रॉम द NABARD एनुअल रिपोर्ट. एंड देन दे वर आस्ड अबाउट द मेजर वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. ठीक है, तो दीज आर द एरियाज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हम डायनामिक पोर्शन की बात करते हैं. ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं पूछा कि कौन सा फर्टिलाइजर आ गया या जो रिसेंट स्टार्टअप्स वगैरह इतने होते हैं उसमें बहुत सारी इनिशिएटिव्स लेकर आते रहते हैं. ठीक है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती रहती है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते और नहीं पूछे गए हैं. एक या दो क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो दैट यू कैन लीव. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक कट ऑफ मार्क्स जो है वो क्लियर करनी है. राइट, ये मार्क्स आपके वैसे भी आगे चल के तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, प्रीलिम्स आपको क्लियर करना है. सो आपको क्या एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी डेवलप करने की ज़रूरत है. ठीक है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी जिसमें कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ करके, लिमिटेड एरियाज़ को कवर करके आप मैक्सिमम आउटपुट जो है वो लेकर आ सकें. दिस इज़ नॉट अ शॉर्टकट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शॉर्टकट हियर. ठीक है, देर इज़ नो शॉर्टकट, बट यू कैन प्लान योर स्टडी और यू कैन प्लान योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द इम्पॉर्टेंट एरियाज़. दीज आर द इम्पॉर्टेंट फोकस एरियाज़. ठीक है, सो हमने जो फोकस एरिया आइडेंटिफाई करे वो कौन से आइडेंटिफाई करे, स्कीम्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे स्कीम से, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट में भी जो आपके एग्रीकल्चर सेंसस है या फिर ये रिपोर्ट और सेंसस एक एरिया हो गया आपका. ठीक है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर सेंसस आ गया, लाइफ स्टॉक सेंसस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है आपका, देन हॉर्टिकल्चर का जो इम्पॉर्टेंट डेटा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, NABARD एनुअल रिपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज. फिर उसके बाद के कुछ ऐप्स एंड पोर्टल्स हैं जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स, जो गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करिए इन द एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसी से रिलेटेड ऐप्स जो हैं वो पूछे गए हैं. और करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन आपको पता है कि वहाँ से आ गया था. ठीक है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज दैट यू नीड टू कवर. और स्टेट रैंकिंग से देखो हर बार ही क्वेश्चन आता है, हर बार आता है. तो आप जब इनफैक्ट स्टैटिक भी कवर करते हैं ना, जैसे कि आप फील्ड क्रॉप्स कवर कर रहे हैं, तो जब आप फील्ड क्रॉप्स कवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट द राइस और वीट और एनी सीरियल, तो देन आप उस वक्त
ये भी कवर करते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग राइस स्टेट, ठीक है, विच स्टेट इज ग्रोइंग मैक्सिमम राइस इन आर कंट्री, विच स्टेट इज ग्रोइंग मैक्सिमम वीट, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे भी कवर करते हैं सिंस समहाउ इट इज रिलेटेड टू योर स्टैटिक पार्ट. ऑल्दो दीज रैंकिंग कीप चेंजिंग नाउ एंड देन, राइट, सो दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेट रैंकिंग से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट द करंट अफेयर स्ट्रैटेजी. आई होप यू गेट एन आइडिया कि किस तरीके से आपको जो है वो कवर करना है. और मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ओवर हाइप्ड सेक्शन ये रहता है और टॉपिक रहता है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, प्लस बहुत सारे वीडियोस इतने सेशंस के अवेलेबल हैं ऑनलाइन कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने जो भी आर्ग्यूमेंट आपको दिया है उसको मैंने सब्सटैंशिएट किया है विद द डेटा, राइट. आई हैव सब्सटैंशिएटेड माय आर्ग्यूमेंट विद द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस. सो आई हैव गिवन यू एन एनालिसिस कि किस एरिया से जो है वो एक्चुअली क्वेश्चन पूछे गए हैं. एंड दिस गिव्स यू एन बर्ड्स आई व्यू कि हाउ यू शुड प्रिपेयर एंड हाउ यू शुड प्लान योर स्ट्रैटेजी फॉर दिस सेक्शन, राइट. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप यू लाइक इट. इन केस यू हैव एनी क्वेरीज डू पोस्ट इट डाउन, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट, राइट. एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप स्टडिंग.